नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ रिमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया के बारे में। तो बेसिकली आपने देखा होगा, जब भी आप कोई गठिया वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है कि कोई 50-60 साल का ओल्ड होगा और उसको घुटने में दर्द की प्रॉब्लम है, सूजन रहती है, वो चल नहीं पाता है। तो ये कंडीशन जो है, इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया से बिल्कुल डिफरेंट होता है। आज हम डिटेल में रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में जानेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, साथ में हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे हम। मैं बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊँगी, जिसको लेकर आप अपने रूमेटाइड आर्थराइटिस या गठिया की प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या होता है। तो ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ उसे कहते हैं जहाँ पे आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो हमारी बॉडी की जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनको बाय मिस्टेक अटैक करने लग जाती है। इस कंडीशन को हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। और क्रोनिक मतलब जो बहुत लंबे समय तक रहने वाली बीमारी हो। प्रोग्रेसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिजीज़ जो होती है धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करने लगती है। धीरे धीरे आपके जॉइंट्स बिल्कुल डिफॉर्म होने लगते हैं। इन्फ्लेमेटरी मतलब क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जहाँ बहुत स्वेलिंग आ जाए, जॉइंट मूवमेंट में प्रॉब्लम आए, रेडनेस हो जाए, इस कंडीशन को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस में बेसिकली जो ऑटो इम्यूनिटी होती है वो हमारे जॉइंट्स की लाइनिंग यानी झिल्ली को अटैक करती है, साइनोबियम को अटैक करती है। जब बार बार ये इन्फ्लेमेशन होता रहता है साइनोबियम में यानी जो हमारी जॉइंट की लाइनिंग है उसमें, तो फिर वो धीरे धीरे करके हमारे जॉइंट के कार्टिलेज को, लिगामेंट्स को वीक करते जाते हैं और इसकी वजह से फिर धीरे धीरे करके जॉइंट में डिफॉर्मिटी आने लग जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो एज वाइज नहीं होता, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है कि वो एज के हिसाब से आता है। ये किसी भी एज में हो सकता है। बेसिकली ऐसा देखा गया कि 20 से लेके 50 साल के एज में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये फीमेल्स में देखने को मिलता है, मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में 3 गुना ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि ऑटो इम्यूनिटी जल्दी डेवलप हो जाती है या फिर ट्रिगर हो जाती है, तो उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है जो स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में बहुत ज़्यादा वेट होता है, ओबेसिटी होती है, उनको भी ऐसा देखा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जल्दी डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जिनके पेरेंट्स में अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस से गठिया रोग है तो उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये पॉली आर्थराइटिस होता है। तो इसमें आपके जो जॉइंट्स होते हैं बहुत सारे, मोर देन 5 जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये स्टार्ट जो होता है वो छोटे छोटे जॉइंट्स से, जैसे फिंगर्स की जॉइंट्स हो गए हमारे, हमारे रिस्ट के जॉइंट हो गए, यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली। जब ये प्रोग्रेस करता है तो फिर हमारे एल्बोज में, हमारे शोल्डर्स पर, हमारे नीज में दिक्कत आ सकती है। लेकिन बेसिकली जब ये स्टार्ट होता है तो हमारे स्मॉल जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में अगर कोई पेशेंट आता है तो ये बताता है कि जैसे सुबह उठ रहे हैं तो हमें मुट्ठी खोलने में, बंद करने में इसमें दिक्कत हो रही है, स्टिफनेस भी ज़्यादा देखने को मिलती है इसमें। जो इसका पहला सिम्टम होता है कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द रहता है, सूजन आ जाती है और बहुत सारे लोग जकड़न भी बताते हैं, मतलब स्टिफनेस की प्रॉब्लम बताते हैं। स्पेशली मॉर्निंग में जब वो सो के उठते हैं तो मोर देन 1/2 आवर उनको स्टिफनेस रहती है जोड़ों में। उसके बाद जब धीरे धीरे करके वो कुछ वर्क करने लगते हैं तो धीरे धीरे करके चली जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों में टेंडरनेस भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब अगर आप जॉइंट्स को टच करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा अगर जब फ्लेयर अप हो रहा होता है, इसकी कंडीशन जो होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वो फ्लेयर अप होती है, तो मतलब सिम्टम्स जब बढ़ जाते हैं उस कंडीशन को फ्लेयर अप बोलते हैं। और कई बार खुद ब खुद भी सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल, उस कंडीशन को रेमिशन बोलते हैं। तो जब फ्लेयर अप हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे कुछ लोगों में फीवर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा वेट लॉस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, एनीमिया देखने को मिलता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फैटीग और टायर्डनेस भी देखने को मिलती है इस कंडीशन में।
इसके अलावा इसमें सिमेट्री बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब अगर आपके एक साइड के जॉइंट्स इन्वॉल्व है तो आपके दूसरी साइड के जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये सिमेट्री भी देखने को मिलती है। अगर ये सारे सिम्टम्स या इसमें से चार सिम्टम आपको मोर देन 6 वीक्स मतलब 6 हफ्ते से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा जो आरए यानी रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, जॉइंट के साथ साथ हमारे एक्स्ट्रा ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, यानी हमारे हार्ट को, हमारी लंग्स को, हमारी आईज को, या फिर हमारी किडनीज को, हमारी ब्लड वेसल्स को, इनको भी अफेक्ट करता है। इस पर बहुत सारे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होने का खतरा बना रहता है। तो इसके लिए आपको अपना जो लाइफ स्टाइल है वो सही रखना चाहिए, अपना वेट अच्छे से मैनेज करना चाहिए, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी मैनेज करके रखना चाहिए। अब इसके कॉजेज की बात करते हैं, तो कॉजेज में बेसिकली ऐसा जैसे मैंने बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज है, यहाँ पे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही आपको अटैक कर रही होती है बाई मिस्टेक। तो ऐसे ऑटो इम्यूनिटी का अभी तक कोई रीजन पता नहीं चल पाया है मेडिकल साइंस को कि ऑटो इम्यूनिटी क्यों डेवलप हो जाती है कुछ लोगों में। अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं, बेसिकली इसका डायग्नोसिस सिम्टम्स के बेस पे ज़्यादा करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट का इसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं देखने को मिला है। लेबोरेटरी टेस्ट में इसमें हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें आरएफ या रूमेटॉइड फैक्टर चेक करवाते हैं। कुछ लोगों में पॉजिटिव आता है, कुछ लोगों में निगेटिव आता है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर निगेटिव है तो आपको आर्थराइटिस नहीं है, आपको तब भी आर्थराइटिस हो सकता है और लेटर ऑन लाइफ में आपको ये पॉजिटिव आ सकता है। इस कंडीशन को हम सेरो निगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा हम NTCCP एंटीबॉडीज टेस्ट करवाते हैं, CRP टेस्ट करवाते हैं, इसके अलावा ESR टेस्ट कराते हैं और CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट भी करवाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया है, जॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी वगैरह आ गई, इसको चेक करने के लिए जॉइंट का एक्सरे या फिर MRI भी करवा सकते हैं बहुत सारे केसेस में, तो ये सारे कुछ टेस्ट करवाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में। कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि ये प्रोग्रेस होके वहाँ पे जॉइंट्स पे आपके छोटे छोटे लम्स बन जाते हैं जिनको हम रूमेटॉइड नोड्यूल बोलते हैं। अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग पेन है अपने जॉइंट्स में तो आप वहाँ पे हॉट या कोल्ड कंप्रेस ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको जिससे अच्छा फ़ायदा मिले तो आप वो कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं ठंडे या गर्म से, या फिर आप अल्टरनेट करके दोनों से सिकाई कर सकते हैं। इसके अलावा लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे आपके जॉइंट की मोबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा आपको अपनी डाइट का अच्छा ख्याल रखना है, ऐसा देखा गया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने पे जो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत आराम देखने को मिलता है। फिश ऑयल और वेजिटेरियन में देखें तो सीड्स से, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और वॉलनट्स, इन सब से मिलता है। इसके अलावा आपको बहुत सारी हरी सब्जियां और फ्रूट्स खाने चाहिए, साथ में आपको चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, रिफाइंड फ्लोर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको फुल फैट मिल्क नहीं लेना चाहिए। मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम आलू छोड़ दें क्या हमको जॉइंट प्रॉब्लम है, दही खाना छोड़ दें या फिर चावल खाना छोड़ दें तो इससे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। अगर आप सबसे पूछेंगे तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा और लास्ट में आपके पास खाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो जो भी चीज़ें आपको नुकसान कर रही हैं, जो भी चीज़ें, वो आलू हो, चावल या कोई भी फूड हो, अगर वो आपको नुकसान कर रहा है, उसकी वजह से आपको फ्लेयर अप्स आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, तो आपको वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही हो आप खा सकते हैं। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं गठिया या बाई के केसेस में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी दवाएं मैं बताती हूँ आपको सारी नहीं लेनी होती हैं, जिनके सिम्टम्स आपको मैच करें आपको वही लेना होता है। तो हमारी सबसे पहली दवाई है रेस्टॉक्स 200 पोटेंसी में। रेस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन होती है गठिया या बाई के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस मिल रही है, सुबह सुबह में आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो रही है आप, और अगर आप चलते फिरते हैं आपकी स्टिफनेस वो चली जाती है, तो इस कंडीशन में रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। स्वेलिंग है, पेन है, ओवर यूज आपने कर दिया अपनी कोई मसल उसके बाद आपको दिक्कत आई है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगी हुई थी एकदम से आके आपने नहा लिया, बाथ ले लिया, उसके बाद आपको ये दिक्कत आ रही है और आपको चलने फिरने के थोड़ा सा आराम मिलता है, तो आपको रेस्टॉक्स 200 लेना चाहिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। हमारी दूसरी मेडिसिन है ब्रायनिया 200 पोटेंसी में। ब्रायनिया बिल्कुल रेस्टॉक्स की अपोजिट होती है।
इसमें आपको क्या होता है कि अगर आप चलते फिरते हैं तो आपको दिक्कत बढ़ने लग जाती है, लेकिन जब आप रेस्ट करते हैं बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट, तो आपको दिक्कत में आराम मिलता है। साथ में ब्राइनियो के जो पेशेंट होते हैं उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लॉन्ग इंटरवल पे लगेगी लेकिन बहुत सारा पानी एक बार में पी जाएंगे। अगर ये सब कंडीशन है तो आपको ब्रानिया लेना चाहिए, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। हमारी थर्ड मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकाटा 200 पोटेंसी में। एक्टिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जहाँ पे स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी कुछ किया तो उसके बाद स्वेलिंग आ जाती है। साथ में उनको कोल्ड एयर और ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एग्रावेशन हो जाता है। अगर इस सब तरह की दिक्कत आ रही है तो आपको एक्टिया लेना चाहिए, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। हमारी फोर्थ मेडिसिन है कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में। कॉस्टिकम बहुत इफेक्टिव होती है, जहाँ पे आपके जो जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं उनमें डिफॉर्मिटी आने लग गई, उनमें नोड्यूल बन गया है, अगर ये सब तरह की कंडीशन है तो आपको कॉस्टिकम लेना चाहिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है पल्सेटिला 200 पोटेंसी में। पल्सेटिला बहुत इफेक्टिव होती है, स्पेशली फीमेल्स के लिए जिनको जिनका जो मूड होता है थोड़ा सा सैड ग्लूमी टाइप का होता है, बहुत जल्दी जिनको रोना आ जाता है, और जिनके जो पेन होते हैं जैसे एक जॉइंट में अभी था तो एक घंटे बाद इस जॉइंट में हो गया, ऐसे करके उनके पेन जो है फ्लाई करते रहते हैं एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में। साथ में उनको वॉर्म से बहुत एग्रावेशन हो जाता है, अगर वो वॉर्म कंप्रेस करेंगे या ये सब करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा उससे दिक्कत बढ़ेगी, उनको ठंडे से आराम मिलता है। ये सब तरह की दिक्कत है तो आप पल्सेटिला लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको ये दिक्कत है तो ये मेडिसिन लीजिए और इसके रिजल्ट हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको गठिया और बाई के बारे में बताई गई मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच।